नमस्कार खबरां दे इस बुलेटिन में तुहाडा स्वागत है। मैं हां रमा शंकर। पहला पेश ने चोणवीं खबरां। डीआरडीओ वालों विकसित की गई कोरोना विरोधी दवाई दो डीजी की पहली खेप नूं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह अते सेहत ते परिवार भलाई मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने सांझे तौर पर जारी किया। इस दवाई नूं पहलां ही वधेरे नाजुक स्थिति च वरतण की मंजूरी मिल चुकी है। क्लीनिकल तजर्बों दौरान इस दवाई नाल आक्सीजन की सहायता लै रहे मरीजों अते पॉजिटिव ऐलाने गए मरीजों ते चंगा असर देखने को मिला सी। देश विच विकसित भारत बायोटेक का कोविड रोकू टीका कोवैक्सीन भारत अते वरतानिया विच पाए जाने वाले करोना के वक्खो वक्खरे स्ट्रेन्स नाल नजिठण च कारगर। देश विच 25 दिनों बाद नवें पुष्टि वाले मामलों की गिनती 3 लाख तो हेठा दर्ज की गई। बीते 24 घंटों दौरान सेहतयाब होने वाले मरीजों की गिनती नवें मामलों नालों 97,000 तो वध रिपोर्ट हुई। श्रीनगर च सुरक्षा दस्तियां ने 2 आतंकवादियों ढेर किया। मुख्य सकत्र विनी महाजन वालों देहाती खेत्र के लोगों को फौरी कोरोना टेस्ट करवा के इलाज शुरू करवाने की सलाह। कहा आने वाले दिनों दौरान सूबे में टीकाकरण के काम में तेजी लाई जाएगी। रफाल नडाल ने इटालियन ओपन टेनिस टूर्नामेंट का खिताब जितया। दुनिया के नंबर एक टेनिस खिडारी नोवाक जोकोविक ने खिताबी मुकाबले दौरान हराया। ते हुण खबरां विस्तार नाल। रक्षा खोज अते विकास संगठन यानी DRDO वल्लों तैयार की गई करोना विरोधी दवाई नूं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह अते केंद्रीय सेहत ते परिवार भलाई मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने DRDO दे नवीं दिल्ली च पैंदे हैडक्वार्टर च एक समागम दौरान लांच किया। DRDO वल्लों बनाई गई करोना की इस दवाई नूं वधेरे नाजुक स्थिति च वरतण नूं मंजूरी दे दित्ती है। इस दवाई नूं डॉक्टर रेडिस लैबोरेटरीज़ के सहयोग नाल तैयार किया गया है। करोना विरोधी दवाई 2-DOX-D-ग्लूकोज यानी 2 DG की पहली खेप नूं जारी किया गया। यह दवाई एक पैकेट च पाउडर के रूप से आएगी और इस पानी से घोल के पीना पवेगा। क्लीनिकल तजर्बों के नतीजों दौरान यह गल सामने आई है कि इस दवाई की वरतों नाल हस्पतालों में दाखिल मरीजों की गिनती च तेजी नाल सुधार देखने को मिल रहा है और आक्सीजन की सहायता लै रहे मरीजों को भी घट आक्सीजन की लोड़ पैंदी है। इलाज दौरान 2 DG की वरतों करने वाले ज़्यादातर मरीजों के RT-PCR टैसट नैगेटिव पाए गए हैं। महामारी के खिलाफ लड़ाई लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वालों दिए गए सदे को ध्यान में रखद DRDO ने 2 DG एंटी कोविड दवाई नूं विकसित करन दा उपराला कीता है। एक साधारण अणु अते ग्लूकोज दे मेल नाल बनन वाली इस खुराक नूं आसानी नाल तैयार किया जा सकता है अते काफ़ी मात्रा विच देश विच उपलब्ध है। यह दवाई वायरस प्रभावित सैलां ते जमा हो जाती है अते वायरस नूं फैलण तो रोकती है। नाल दी नाल यह दवाई शरीर विच कीटाणुआं नाल लड़न वाले जीवाणुआं नूं विकसित होण दा समां भी दिंदी है। अजिहा करन नाल यह दवाई जिथे कीमती जाना बचाउण लई इक उम्मीद की किरण है उत्थे इस दवाई की वरतों मगरों हस्पतालों च दाखिल मरीजों नूं भी छेती सेहतयाब करन च मदद करती है। देश विच विकसित भारत बायोटेक का कोविड रोकू टीका कोवैक्सीन भारत अते वरतानिया विच पाए जा रहे करोना वायरस के वक्खो वक्खरे स्ट्रेन्स खिलाफ़ कारगर साबित हो रहा है। डॉक्टरी रसाले क्लीनिकल इन्फेक्शन डिजीज़ वालों प्रकाशित एक रिपोर्ट में कहा गया है कि कोवैक्सीन डबल म्यूटेंट वायरस समेत करोना वायरस के वक्खो वक्खरे रूपों बेअसर करन च सफल साबित हो रहा है। कोवैक्सीन भारत में हुण तक उपलब्ध 3 कोविड रोकू टीकों विचों एक है। कुछ दिन पहला ही भारतीय दवाइयां बारे अथॉरिटी ने 2 से 18 साल के बच्चों तक कोवैक्सीन के तजर्बे को मंजूरी दे दी है। कोवैक्सीन यह मंजूरी हासिल करने वाला पहला कोविड रोकू टीका है। बच्चों से यह तजर्बा अगले 2 से 3 महीनों से पूरा होने की संभावना है। देश में 25 दिनों मगरों नवें पुष्टि वाले मामलों की गिनती 3 लाख तो हेठा दर्ज की गई है। केंद्रीय सेहत और परिवार भलाई मंत्रालय वालों जारी अंकड़ों मुताबक अज देश में करोना के 2,81,000 तो वध नवे मामले दर्ज किए गए।
जिस नाल कुल पॉजिटिव मामलों की गिनती 2,49,00,000 तो पार हो गई है। इस अरसे दौरान 4,106 मौत दर्ज हुई ने। देश में हुण तक 2,07,00,000 तो वध व्यक्ति करोना लाग तो मुक्त ऐलाने गए हैं। बीते 24 घंटे दौरान 3,78,000 तो वध व्यक्तियों नूं सेहतयाब बलाने गया। देश में इस वेले करोना एक्टिव मामलों की कुल गिनती 35,16,000 तो वध दर्ज की जा रही है, जिहड़ी कुल मामलों का 14.66% बनती है। देश में सेहतयाब ऐलाने गए मरीजों की दर वध के 84.81% हो गई है। इस महामारी नाल देश में हुण तक 2,74,000 तो वध मौत दर्ज की जा चुकिया ने। अंकड़ों मुताबक बीते दिन देश 6,91,000 तो वध लाभपात्रियों का टीकाकरण किया गया। हुण तक 18,29,00,000 तो वध लाभपात्रियों नूं कोविड रोकू टीके लगाए जा चुके ने। सुरक्षा दस्तियां ने श्रीनगर के बारले इलाके च अज अतवादियों की भाल लई चल रही तलाशी मुहिम दौरान 2 अतवादियों नूं ढेर कर दिता है। एक रक्षा बुलारे ने श्रीनगर से यह जानकारी दिंदिया दस्या कि शहर के बारों बार पैंदे खानमो खेत्र से सवेर वेले तो ही अतवादियों के लुके होने की सूह मिलन मगरों राष्ट्रीय राइफल जम्मू कश्मीर पुलिस के विशेष ऑपरेशन समूह और CRPS के जवानों वालों पूंछ छाण का काम किया जा रहा है। इलाके तक जाने वाले सारे रस्तों बंद कर दिया गया है और उत्थों बाहर आने वाले रस्तों भी सील कर दिया गया है। आखिरी खबर आने तक 2 अतवादियों ढेर कर दिया गया है। होरना वेरव्या की अजे उड़ीक है। पंजाब दी मुख सकत्तर विनी महाजन ने सूबे दे पिंडां च रह रहे लोगों नूं अपील की है कि वह करोना टैसट करवाउण अते टीकाकरण लई आप अगे आउण। पिंडां विच करोना दे वध रहे मामलियां अते मौतां ते चिंता प्रगटाउंदे उन्होंने कहा कि हालांकि पिंड दे लोगों नूं जागरूक करन लई जिला अधिकारियां अते वख-वख विभागां दीआं टीमां वल्लों पूरी मुस्तैदी नाल काम किया जा रहा है, पर ज़्यादातर लोग सिर्फ उदों ही हस्पतालां दा रुख करदे ने जदों उन्हां दी हालत काफ़ी गंभीर हो जाती है। मुख सकत्तर ने कहा है कि जे करोना दे शुरुआती लक्षणां जिवें कि खांसी जुकाम जां हल्का बुखार होण ते नेड़ले हस्पताल चों करोना टैसट करवा के इलाज शुरू कर दिता जावे तां स्थिति ज़्यादा खराब नहीं हुंदी। कोविड प्रबंधन अते टीकाकरण संबंधी एक ऑनलाइन रिव्यू मीटिंग दौरान मुख सकत्तर ने दस्या कि आउण वाले दिनां 'च सूबे 'च टीकाकरण दे काम 'च तेज़ी लियांदी जावेगी। उन्हां दस्या कि 31 मई तक पंजाब नूं कोवैक्सीन दीआं 1,14,00,000 होर खुराकां मिल जाणगीआं। उन्हां जिला अधिकारियों हिदायतां दित्तियां कि टीकाकरण लई योग लाभपात्रियों की छेती पछाण करके उन्हां नूं वेले सिर टीका लगवाया जाए। उन्हां टीकाकरण वेले भीड़ ते भी काबू रखण की हिदायत दित्ती। मीटिंग दौरान मुख सकत्तर दे ध्यान विच लिआंदा गया जिहड़ियां सनअतां अपने कर्मचारियों नूं टीके लगवाउणा चाहुंदियां ने उह संबंधित जिलिआं दे अधिकारियों नाल संपर्क कर सकदियां ने। मुख सकत्तर ने प्राइवेट हस्पतालां नूं वाजिब कीमत ते टीके लगाउण की सलाह दित्ती। मुख सकत्तर ने सारे सरकारी मुलाजमां ते अधिकारियों नूं भी फौरी टीके लगवाउण लई कहा। मीटिंग दौरान सूबा पुलिस मुखी दिनकर गुप्ता ने दस्या कि पिंडां विच कोविड-19 संबंधी जागरूकता फैलाउण लई पुलिस वल्लों खास कदम चुके गए ने। उन्होंने दस्या कि देहाती खेतरां 'च पुलिस वल्लों पिंडां दे लोकां नाल मिल के पिंड वासियां दे टैसट करवाउण अते उन्हां नूं टीके लगवाउण लई प्रेरित किया जा रहा है। लोड़वंद करोना मरीजां तक खाणा पहुँचाया जा रहा है। बहुत सारे लोग आप हैल्पलाइन ते फोन करके मदद मंग रहे ने। उन्होंने दस्या कि करोना दे फैलाव दी रोकथाम लई पुलिस वल्लों कुछ सख्ती वरती जा रही है, पर नाल दी नाल बिना कारण आम लोगों नूं तंग ना करन दी हिदायत भी की गई है। किसानों की सहूलत लिए डिजी लाकर शुरू करने वाला पंजाब देश का पहला सूबा बन गया है। इस नाल हुण पंजाब के किसानों को अपने जे फार्म दीआं डिजिटल कापियां का प्रिंट लैण अते उन्हां नूं डाउनलोड करन दी खुल होवेगी। पंजाब मंडी बोर्ड वल्लों कणक खरीद 2021 लई जे फार्म का इलैक्ट्रॉनिक फॉरमैट किसानों नूं मुहैया करवा दिता गया है। पंजाब मंडी बोर्ड के चेयरमैन लाल सिंह ने चंडीगढ़ 'च यह जानकारी दिंदिआं दस्सिआ कि अपनी खेती पैदावार की डिजिटल विक्री रसीद हुण किसानों नूं उपलब्ध होवेगी। उन्हां दस्सिआ कि मौजूदा हाड़ी मंडीकरण सीजन दौरान तकरीबन 10,00,000 जे फार्म धारक किसानों ने आपो अपनी रजिस्ट्रेशन करवाई सी। उन्होंने दस्या कि डिजिटल लॉकर की शुरुआत तो बाद हुण जे कोई किसान अपना रजिस्ट्रेशन फार्म घर भुल जाता है जां गवाह बैठता है तो उसनू नवें प्रिंटेड फार्म की उड़ीक नहीं करनी पवेगी। वह हुण डिजी लॉकर ऐप डाउनलोड करके अपना फार्म वर्चुअल ढंग नाल सुरक्षित रख सकता है। राफेल नडाल ने दुनिया के नंबर एक टैनिस खिडारी नोवाक जोकोविक नूं हरा के 10वीं बार इटालियन ओपन टूरनामेंट का खिताब जित लिया है। दूजा दर्जा हासिल स्पेन के राफेल नडाल ने साबका चैंपियन के खिलाफ 7-5, 1-6, 6-3 के फर्क नाल जित दर्ज की। यह मुकाबला जितने नाल नडाल ने जोकोविक वल्लों 36 ATP मास्टर्स अते 1,000 खिताब जितने के रिकॉर्ड की बराबरी कर ली है। इस खिताब की जित ने
नडाल ने फ्रेंच ओपन के मजबूत दावेदारों वजों एक बार फिर कायम कर दिता है। दो हफ्तों बाद शुरू होने वाले फ्रेंच ओपन मुकाबले से नडाल लई जित दा राह होर मुश्किल भरिया होगा। औरतों के वर्ग के खिताब पोलैंड की ईगा स्वीटेक ने जित लिया है। 15वां दर्जा हासिल ईगा ने 9 दर्जा प्राप्त चैक गणराज की करोलीना पलिसकोवा 6-0 6-0 हराया। तो इस खबरों का बुलेटिन खत्म होया। नमस्कार।